लोगों में बीमारी आ गई है, सेहतमंद परिंदों के साथ क्या करें, कौन सी दवाई देनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ और आप लोग देख रहे हो बीजे असील। उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हूं कि अगर आपके बर्ड्स में, आपके मुर्गों में बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन आ जाए तो आप किस तरीके से उसका इलाज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बनने वाली है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल बीजे असील पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट में राय का इजहार जरूर फरमाना है। तो आपको बताते हैं कि अगर आपकी मुर्गों में वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए तो आप किस तरीके से उसका इलाज करवाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके मुर्गों में बैक्टीरिया या वायरल वाले इन्फेक्शन आ जाए तो आप इस परिंदे को, जो सेहतमंद परिंदे हैं, उससे अलहदा करने चाहिए कि ये वायरस उस सेहतमंद परिंदों में फैल जाए। उस जो आपके बीमार परिंदे हैं उसके साथ आपने कौन से इलाज करवाना है, तो इसके लिए मैं आप दोस्तों के साथ सिर्फ जो है वह शेयर करने वाला हूँ। आप इसमें अगर आपको जो भी आपको आसानी से मिल जाए किसी भी मेडिकल स्टोर से या वेटरनरी स्टोर से, तो आप उसको ले और उसको दे, इंशाल्लाह इसी से आपके मुर्ग ठीक हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो है दोस्तों, उसका पिक्चर में वीडियो में मैं लगाऊंगा, उसका नाम है दोस्तों ट्राइबरसिन। ट्राइबरसिन दोस्तों, ये वायरस अगर आपके मुर्गों में आ जाए या बैक्टीरिया वाले बीमारी आ जाए तो ये हफ्ते में आपने 2 दिन परिंदों के पानी में मिक्स करके उसको देना है। ये ट्राइबरसिन जो है दोस्तों, ये मुर्ग की ब्लड से जो बैक्टीरिया या वायरस उसमें होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। तो आपने उसको 1 किलो पानी में 1 ढक्कन मिक्स करके उसके सामने रख देना है, तो इंशाल्लाह इससे आपके मुर्ग ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये सिर्फ नहीं मिलता तो एक दूसरी, जिसका नाम है एनरोसिम, ठीक है दोस्तों, एनरोसिम जो है वो भी आपको किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो अगर आपको एनरोसिन मिल गया या ट्राइबरसिन, तो आपने इसी तरीक़े से इस्तेमाल कर देना है। 1 किलो पानी में आपने 1 ढक्कन मिक्स करके उसको रख देना है। इंशाल्लाह इससे आपके मुर्गों में जो वायरस या बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन आ गई है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मुर्ग के ब्लड से जो है उस वायरस को ख़त्म कर देता है। जो आपका बीमार परिंदा है, कोशिश करके वो उसको सेहतमंद परिंदों से आपने अलहदा कर देना दोस्तों। मैं इसलिए ये वीडियो जो है ऐसे मुर्गे को हाथ में पकड़ कर नहीं बना सकता, क्योंकि फिर यूट्यूब की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है और यूट्यूब जो है वो स्ट्राइक देता है। तो आज की वीडियो में मैंने आप दोस्तों के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारे से कमेंट में राय का इजहार ज़रूर फरमाना है।